हो माई धा धिन धिन धा। हो माई सगुना भयो ओ आबद की हो माई आ आ जग हो माई। हाँ हाँ भैया आप ठीक कर दे रहे हो ठीक है। अरे ये देते रहो पीछे नहीं बोलो। हो माई सगुना भयो हो पिया बनु के हो माई तनु मनवारु तनु मनवारु वारु आए राम रंग घड़ी मंगल गावा बनती ये हो माई देखते सारी रे गा म रे गा सा रे सा प ग प सारी रे गा म प सा रे नी प सा द ब म गा म प ग म प गा म ग रे ग सा रे रे गा प ग रे सा रे नी प सा। अब कितने राग मिले हुए हैं अब सुना इसलिए देते हैं। अब बच्चे भाई सब कुछ अच्छा लग रहा है कान को तो सब ग्राह्य नहीं होता, ग्रहण करने का समय होता है जो कब हम इसको गावें कब न गावें। आजकल जो सुनने की सुविधा बहुत है ये कुछ फायदेमंद भी है और बहुत नुकसानप्रद भी है क्योंकि मन बहकने लगता है। ब्याहगड़ा सुन के होता है जब पहले ब्याह छोड़ दें ब्याहगड़े सीख लें पहले ब्याहगड़े सीख लें तब ब्याह बाद में देखा जाएगा। तो फैयाज खान ने बिना नाना के अपने नाना के पूछे गा दिया एक जगह। तो जब बाद में उनको पता लगा फैयाज गुलाब अब्बास खां को तो फैयाज खां को एक थप्पड़ मारा मुंह पर तो मेरे बिना पूछे गा कैसे दिया तुमने। जब हम कहेंगे गाने को तब गाना नहीं तो गाना सुनने नहीं देते थे लोग। इसे इसलिए नहीं सुनने देते थे जो अपनी शैली आत्मसात कर ले पहले अपनी शैली जो है उसको आत्मसात कर ले तब दूसरे का गाना सुने। और ये अकल जब आ जाए जो दूसरे के अंश को कितना अपने में मिलाव है ताकि हमारी जमीन न खसक जाए न अपना न दूसरे का आया न अपना रहा
कह कबीर दो नाम निचढ़िए फिर फाटे मांग बीच में रहिए। इसलिए ये अकल जब हो जाए, जब हम दूसरे के अंश को कितना अपने में मिला लें ताकि हमारी जमीन न खसक जाए, तब नकल करने की आदत डालनी चाहिए, नकल करने का कार्य अपने में उतारना चाहिए। साहब कितना बजा? 12 बज रहा क्या? 12:15। अरे 15 मिनट और बाकी है, अब यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, नहीं कुछ गाना चाहे तो हम गा दें। अच्छा ये असली पकड़ लिया। ऐसा वो हमारी स्वयं की रचना है, मंगल गुजरी कह के हमने उसको गाया। मंगल गुजरी पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ है। इसके अस्थाई अंतर सब दो तीन चार अस्थाई कौन सा? अच्छा ये ऐसा है, ये पटमंजरी जो राग है ये जितने गांव उतने सत्यनारायण उतने तरह के गाया जाता है, तो हमको चार तरह का पटमंजरी याद है, तो उसमें एक पटमंजरी ये भी है। हो माजी हो माजी सगुना भयो पिया बनुआ के ये हो माजी। देखता कैसा गढ़न कैसी है, कैसा डिजाइन बना हुआ है। तो ऐसे आप कितनी बात सुनाएं, आप कितना सुनाएं, क्या सुनाएं, समय का अभाव, शक्ति का अभाव, एनर्जी का अभाव अब है। तो और जो कुछ कहें 10-15 मिनट बचा है। अच्छा अच्छा क्या रे ने दे रे ना रे 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 ना रे ने दे रे नु सब इसमें सब बिगड़े। अच्छा है ना, हमको याद बहुत रहता था, सब याद रहता था, मगर अब उम्र अब विस्मृत होने लगता है, शब्द भूल जाते हैं, राग नहीं भूलता है, शब्द भूलने लगे। आज हमारी लाज रखो है ना, आज हमारी लाज रखो है ना। हाँ हाँ भैया चलिए याद आ गया था। रे 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 ने रे 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 दे रे ना रे दे रे आज हमारी धिन 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 आज हमारी जय रखो ओ हरी आज सब राग बुद्धि विलास है, बुद्धि विलास है, बुद्धि को फैल किसकी बुद्धि कितनी चल रही है, चलती है इसको देख, अपने कंठ पर अपने मन पर कितना अधिकार है, शुद्ध भी लगा दिया। डोल गावत सब औरव कल्याण था भूपाली सुद सुर रच छाया नट राग गाय बीला बाला बंगाल शंकर सुध राग गाय देश राग उपजत तिलक कामोद विरस
बसंत दिन बेलरिया श्री राग गुनी गावत। देखिए मन पर कंठ पर बुद्धि पर कितना अधिकार है ये देखा जाता। बसंत दिन बेलरिया श्री राग गुनी गावत, मारवा स्वरूप लखत पूरिया की संगत, सौ भैरो वनंत राग गुजरी गुण गान करत, माल कंस राग मधुर भैरवी भगती रस, भैरवी भगती रस जौनपुरी अति मनोहर, सारंग मध माध खर हर प्रिया दास गाव डोल गावत सब। मन पर कंठ पर बुद्धि पर कितना अधिकार है, एक क्षण राग बदला, क्षण नहीं लगा, कंठ ग्रहण कर लिया, मन ग्रहण कर लिया, बुद्धि ग्रहण कर लिया, मगर ये गवैये का काम नहीं है। जब हमने पहले आज के 40 वर्ष पहले हम गए बिस्मिल्ला खां को, हम यूनिवर्सिटी में थे, हेड थे, तो हम उनको गए एक प्रोग्राम बजवाने के लिए। उस समय उनकी 40,000 रुपया फीस थी, 40,000 बात लंबी है। मुख्य बात, जब हमसे मिलने आए तो अंदर से बाहर आए तो उन्होंने पूछा आप कैसे हैं, हमने कहा अपना परिचय दिया, जब पंडित भोलानंद जी के शिष्य हैं हम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं। एक बिस्मिल्ला खां के समय में संबंध में एक बात बता दूँ, पहला स्टेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सीनेट हॉल है उनका। 15 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला खां ने अपने मामू के साथ पहली बार बजाया था सीनेट हॉल में, पहली बार 37 में। तो वो उनको हमने याद दिलाया तो हमसे कहने लगे आपकी उम्र तो बहुत कम है, आपको कैसे मालूम है हमने बजाया था। तो हमने कहा हमारे पास कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट उस समय की मौजूद है। तो कहने लगे हाँ आप कहते तो ठीक है पंडित जी, हम पहला स्टेज मेरा वही है, पहली बार हम 15 मिनट वहाँ क्या बजाएं, बजाया तो ये हम आपको सुनाई देते हैं। तो उन्होंने केदारा का झपताल की बंदी सुना दी। तो कहने लगे आप पंडित भोलानाथ जी के शिष्य, आपने आपको सुनाएंगे तब तो हम मानेंगे। तो हमने यही रागमाला 18 राग का हर सर से सुना दिया, ऐसे लपटा लिया, चपका लिया। कहने लगा अरे बाप रे, ये तो पंडितों का काम है, ये कैसे इतनी जल्दी आप सर से एक के बाद एक कह दिया। तो कहने लगे साहब हाँ, तो तुरंत कहने लगे हम जाएंगे आपके यहाँ। तो हमने कहा हम उतनी फीस नहीं दे, 40,000 हम नहीं दे पाएंगे आपको। कहने अरे शायद जो दीजिएगा उसी में हम चले जाएंगे। तो ये देखिए विद्या की जो बात है, गुनेगा जो वर्कशॉप जो है, ये तो वर्कशॉप संगीत के प्रदर्शन में, ये वर्कशॉप नाम ही गलत है। कार्य की दुकान कोई दुकान है क्या? कार्यशाला तो ठीक है, चलो गनीमत है, वर्कशॉप और ये कोई दुकान है, कोई सामान बेचने का सामान है क्या ये? भाई ये तो विद्या अध्ययन का आदान प्रदान है। ऐसा हम कुछ हम कहते हैं, कुछ उनसे हमको मिलता, हमारी बात को आपने सपोर्ट किया तो आपके अंदर भी वो ज्ञान है, आप उसको आप उसकी स्वीकृति देते जहाँ आपने ठीक कहा। एक ने कही एक ने मानी कहे कबीर है दोनों ज्ञानी। तो ये कोई दुकान नहीं है, विद्या की दुकानें नहीं होती, ये कार्यशाला है, पाठशाला है, विद्या का आदान प्रदान है, शिक्षा का स्थान है, ये तो तीर्थस्थल है। इसको दुकान कहना तो अपमान करना है। खैर जी जो परंपरा है, अब क्या परंपरा के आगे तो सब कोई सिर टेक देता है। एक कबीर का दोहा है एक जो क्या एक एक दो अभी को याद नहीं रहता। हाँ चलती को गाड़ी कहें, चलती को में परंपरा कितना सुदृढ़ होता है जिसके आगे सब सिर टेक देता है। तो चलती को गाड़ी कहें, जो वस्तु चल रहा है उसको क्या कहते हैं? गाड़ी। गाड़ी चल, अरे गड़ गया मतलब। चलती को गाड़ी कहें और दूध ओंठ के खोया, जब दूध ओंठ लिया तो जो माल मिल गया तो उसका नाम क्या है? खोया, खो गया।
जब माल मिल गया तो खोया कहाँ, तो मिल गया दूध औंट के खोया। और सही को बही कहें, रजिस्टर जो होता है जिस पर सही किया जाता है उसका नाम क्या है, बही, पुराना नाम बही है। सही को बही कहें तो देख कबीरा रोया। तो परंपरा के सामने सबको टेक सिर टेकना पड़ता है। तो क्या कह रहे थे, लक्ष्मी तोड़ी, हाँ लक्ष्मी तोड़ी। आज हमारी आज हमारी लाज रखो है, आज हमारी साफ जल्दी यदि सुर बदल जाता है ना, आज हमारी लाज रखो है, दुशासन गए चीर हमारी, आज हमारी लाज रखो है, सन गए चीर हमारिया जहमारी हमारे ये मूल आत्मा इतनी होती है, मूल आत्मा आज मूल आत्मा इतनी है। ये तो बुद्धि विलास हमने कहा नहीं, जो तोड़ी मानंद है, गुजरी तोड़ी मानंद है, विलास खानी मानंद है, वो इसमें कहाँ आनंद मिल सकता है, वो तो क्षणिक बुद्धि विलास है। जैसे भोजन में चटनी, बस उतना ही इसका महत्व है ज्यादा। जैसे वो हमने मंगल गुजरी, जैसे वो राग बहुत बड़ा है, क्योंकि क्रम से सुर है ना, सारे गम धनी सानी धम गे सा, क्रम से सुर है। कोमल निषाद हो जाने से गले या मन को परेशान करता थोड़ा कुछ देर हो, क्योंकि आदत है गुजरी तोड़ी गाने की, तो निषाद परेशान करता थोड़ा सा, अन्यथा राग बहुत बड़ा है, क्रम से राग बना हुआ। बस तो अब और कहें कि कुछ ठीक 12 बजा हाँ देव गधर जब देखो यार सुनो याद है पूरा जौनपुरी तो है, पूरा जौनपुरी है। रे दे रे 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 ना रे ने रे ने दे रे 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 ने रे रे ने रे रे ने रे ने दे ना। उससे बिकट थोड़ा सा वो है गांधारी रे ना रे, तो याद नहीं है। फिर इन सब रागों में कुछ नहीं धरा, ये है जो थोड़ा क्षणिक आनंद देता है, मगर जो आनंद वाले राग हैं, विलास खानी इतना बड़ा राग है, विलास खानी चाहे जितनी, मगर एक बात है विलास खानी
कसौटी का राग है गवैया पहचाना जाता है उसमें, जो कितना सही गा रहा है। एक बार हमने एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े गवैया का गाना सुना, हम नाम नहीं बताएं, बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, गड़बड़ यदि गड़बड़ कुछ बात कहना हो तो बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। वो बिलास खानी की जब तान पर आए तो सानी धबा मगर सारे वहाँ पौधे रिसा होने लगा, सानी धबा मगर रिसा, क्योंकि तनहित जब रहता है आदमी तो राग की शक्ल को नहीं देखता, वो अपनी तान को देखता है जो हमारी तान कितनी तेज भाग रही है। परंतु बच्चों पर इसका असर पड़ता है, वो कहने लगते यही जो है, अरे फलाने उस्ताद तो ऐसा गा रहे थे। अभी एक आदमी ने कहा जो भंखारा आपने सुना फलाने बड़े एक बड़े गवैये का नाम नहीं लेंगे, वो उन्होंने भैरव गा करके भैरव में ऋषभ देवत के महत्व को कम कर दिया, कह दिया भंखार है, भंखार है। अब भंखार है उससे क्या लेना देना देना है। ऐसे एक तंत्रवाद वाले बहुत बड़े ऐसा भंखार बजा दिया, अब जो बच्चे सुनेंगे तो वही भंखार है। देखिए इन रागों के अस्थाई अंतर याद होना चाहिए, समय नहीं तो हम भंखार आ ये सब ऐसे राग हम सुनाते हैं, अस्थाई अंतर सुनाते जो ये परंपरागत राग चले आए हैं घराने जो। इसलिए हम कह रहे हैं जब मेरा घराना हमसे कोई पूछता है जो आप किस घराने का है, तो हमने कहा हम कोई घराने का नहीं, हमारे घराना नाम से हम नहीं हैं, हम परंपरा से हैं। हमारी जो परंपरा है भट्ट परंपरा की जो गायकी थी, जो विद्या थी, गायन विद्या थी, हम उससे संबंधित हैं हमारे यहाँ है। तो हम कोई कहते फला ठीक है घराने के नाम से कार्य बहुत हुआ है, परंतु गड़बड़ भी बहुत हुआ है, गड़बड़ भी बहुत हुआ है। लोगों ने जैसा मन चाहे वैसा घसीटा रागों को, बंदिशों को। हम इसका उदाहरण समय नहीं है तो इसका उदाहरण बताते हैं। देखिए इस बंदिश को अब वही जो हमने भैया दैया बट दूबर भई मैं का लंगरबा, अब दैया बट दूबर भई मैं का लंगरबा भरण देते नहीं गगरिया, है ना, मतलब है ना, अरे दैया बट दूबर बट दूबर भई मतलब बाट चलना मुश्किल हो गया है, मैं क्यों तो मैं का लंगरवा भरण देते नहीं गगरिया। लंगरवा कहते हैं नटखट लड़के को, लंगरवा मैं का लंगरवा भरण देते नहीं गगरिया, कैसे के जाऊं बिहान तोरे, बिहान कहते हैं सवेरे को, बिहान भोर को कहते हैं, कैसे मैं जाऊं तोरे संग री सजनी, कैसे मैं जाऊं बिहान तोरे संग री सजनी, बिना गाय नहीं आता के सापा, कैसे मैं जाऊं बिहान तोरे संग री सजनी, बीच में ठाड़ो हो सदा रंग उचक या, कैसे मैं जाऊं बिहान तुरे संगरी सजनी, बी सदा रंग बीच में ठाड़ो उचकैया, उचक्का ठाड़ा है, नटखट लड़का खड़ा है, कैसे मैं जाऊं बिहान तुरे संगरी सजनी, बीच में ठाड़ हो सदा रंग उचकैया, बड़ा बदमाश है वो, पानी नहीं भरने देता है। सार्थक कविता, सार्थक भाव, मगर ऐसा भाव समझ के लोग गाते नहीं आने ऐसा से। अब क्या गाते हैं वो हम अब काहे को कहें, ऐसा है जो कुछ हमसे बन पड़ता है आपके सामने रखते हैं, यदि कुछ आपको अच्छा लगा हो तो ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा जो गड़बड़ लगा हो उसको छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।